गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज आप लोगों के समक्ष भारत के पूर्वी तटीय बंदरगाहों को लेकर के हम आए हुए हैं। पूर्वी तटीय राज्य के बंदरगाह जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में पुट अप होने वाले क्वेश्चंस यही हैं। जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप यहीं से हो रहे हैं। इसको एक छोटी सी ट्रिक से याद कर लेते हैं हम। आपका सीसीटीवी कुल बंदरगाहों की संख्या कितनी हो गई? कुल बंदरगाहों की संख्या 6 है, तो आपका सीसीटीवी आज से हो गया इन्नौर, इन्नौर जो कि तमिलनाडु में स्थित है। पी से हो गया पारादीप, पारादीप कहाँ है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्यू से हो गया कोलकाता, कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। चेन्नई, चेन्नई जो है कि तमिलनाडु में स्थित है। और ऐसे तुतीकोरिन है फ्रेंड्स, तुतीकोरिन भी तमिलनाडु में स्थित है। और वी से हो गया विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे 3 बंदरगाह है जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और इसी के साथ आपकी छोटी सी ट्रिक है, 2 से 3 बार आप इसको रिवाइज करेंगे जो कि आपको याद हो जाएगा। एक छोटी सी ट्रिक लेकर आए हुए हैं जो कि भारत के पश्चिमी तट से संबंधित है। पश्चिमी तट के बंदरगाह, टोटल भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाह कितने हैं? भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाह कुल 6 हैं। कुल भारत के पश्चिमी तट पर 6 बंदरगाह हैं जिनको हम एक छोटी सी ट्रिक से याद करेंगे। छोटी सी ट्रिक क्या है हमारी? कान्हा मामा मंगनी को मुंबई चले, कान्हा मामा मंगनी को मुंबई चले। 2 से 3 बार आप इसको रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कहां से हो गया? कांडला, कांडला जो कि गुजरात में स्थित है। ना से हो गया नहवासोवा, नहवासोवा जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। मामा से हो गया मर्मा गोवा, मर्मा गोवा जो कि गोवा में स्थित है। और मंगनी हो गया आपका मैंगलोर, मैंगलोर जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। को से हो गया कोची, कोची जो कि आपके फ्रेंड्स जो है केरल राज्य में स्थित है। और मुंबई, मुंबई जो कि आपका एक इकोनॉमिकल कंट्री है हमारी, वो महाराष्ट्र में स्थित है। इसी के साथ आपको, हमें आशा है मित्रों कि आप सभी को ये हमारी ट्रिक, छोटी सी ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आपको ट्रिक पसंद आई है तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।